जी जरा बता दीजिए, आप लोगों के लिए यूपी इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न बनकर उभर रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने आपको टॉपल ओवर कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, यूपी के से जो नतीजे आए हैं और रुझान से बढ़कर अब बाकायदा वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, वाकई में इससे बहुत ही फिक्र की और चिंता का सबब है भाजपा के लिए। और मैं इस बात से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागूंगी और हम लोग को सोचना पड़ेगा। और हम लोग देखिए, भाजपा ऐसी पार्टी है कि अगर हम लोग जीतते हैं हारते हैं पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। सबसे पहले ना तो इलेक्शन कमीशन पर आक्षेप लगाते हैं, ना ईवीएम का रोना रोते हैं, हम लोग पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो जहां हमने अच्छा किया है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, जहां हमसे और हम बेहतर कर सकते थे उसकी भी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। और मुझे लगता है क्योंकि इतने आंकड़ों का फर्क है और उम्मीदों से कई कम हमारी सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है एक बहुत गहन समीक्षा की इसमें जरूरत है। मुझे खुशी इस बात की है कि लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर भी और लार्जेस्ट अलायंस के तौर पर भी हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, तो अब की बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन यूपी में जो हुआ है और जो हमारे और भी जगहों में कम सीटें आई हैं, तो मुझे लगता है उस पर बहुत ही जरूरी है। राजिया जी, 80 में 80 की बात कर रहे थे, 80 में आधी भी नहीं आई है और उसमें मंथन हो, 80 में 80 की बात कर रहे थे, क्या कुछ हो गया है ग्राउंड पर। आप 80 में 80 की बात कर रहे थे, आधी भी नहीं आई है, इस पर भी आगे आपसे बात करेंगे। धीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेंद्र, चिराग पासवान हमेशा कहते रहे हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, मोदी जी के हनुमान ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, लेकिन बीजेपी को नुकसान हुआ है कई जगहों पर। धीरेंद्र जी को आवाज आ रही है? उनकी आवाज शायद नहीं आ रही हम तक। भारतीय जनता पार्टी के लोग, हाँ बोलिए 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 धीरेंद्र जी, बोलिए। आवाज नहीं जा रही है? आ रही आ रही है धीरेंद्र जी, बोलिए। कह रहा हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा 5 सीट हम लोगों ने गठबंधन में लड़ा था हमारी पार्टी ने, और 5 की 5 हम जीत रहे हैं। बिहार में भी अच्छी जीत हो रही है कुछ सीटों को छोड़ करके। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें थोड़ा कमी है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर गहन चिंतन करेगी और बराबर काम करने वाली पार्टी है। मैं इतना बताता हूँ कि बिहार में घूम घूम कर, देश में घूम घूम कर हम लोगों ने कहा था कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जनता से हमने वादा किया था, जनता से सहयोग मांगा था, जनता ने हमें सहयोग दिया, हमारे गठबंधन को सहयोग दिया सुचित्रा जी। और आज हम 300 के करीब 290-92 जो टैली चल रहा है, तो हम जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अग्रसर हैं। और देश में एक बार फिर से जो कहा करते थे लोग कि आएगा तो मोदी ही, मोदी जी आ गए हैं। तो मैं देशवासियों को, देश के मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि इस लोकतंत्र को मजबूत करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः तीसरी बार देश में प्रधान, देश को मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री उनको बनाने जा रहे हैं। इस वक्त बिहार में जहां तक बात है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए फिर मैं बोलूं। जी नहीं, बिहार में जो हम लोगों की जीत हुई है, तो 4-5 सीट मिली है आरजेडी को, 4 सीट बता रहे हैं तो, और 2-3 सीट, ये कोई मुद्दे की जीत नहीं है। ये सिर्फ जातीय समीकरण को देख करके, किसी के अगर कहीं पे घर में आग लगे वहां पे ये रोटी बना करके और बोल रहे हैं कि देखो रोटी कितनी अच्छी बनी है, ये कोई मुद्दे की जीत नहीं है। यही चीज उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो पीडीए का हुआ है। अगर हमारे कोई इंडिया में मजबूती से कोई कास्ट खड़ा था, उसके जाति का वहां पे टिकट दे करके अपने लोगों को थोड़ा कम करके दिया, उसी का ये फलाफल आया है। और बिहार में तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार में जो लोकप्रियता उनकी है वो भी दिख गया है, आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व लोकप्रियता उनकी दिखी है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के, तो गठबंधन के सारे नेताओं के प्रति बिहार के लोगों में जो प्रेम है फोन भी चला गया, उसका प्रकटीकरण हुआ है। खबर तो यह है कि चिराग जी को भी फोन गया है, ये तो देखिए फोन गया है, जी से मिलने सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, फोन जीतन राम मांझी से भी बात जी जी सुचारिता जी, फोन आया है, लेकिन आया है आदरणीय अमित शाह जी का।
तो हमारे गठबंधन के नेताओं का अगर दूसरे का फोन आता है एक चीज बड़ी क्लियर है, बधाई देने का दिन है। एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो आंकड़े स्क्रीन पर है 291 एनडीए है और इंडिया गठबंधन 233 है। अब इस नंबर के बाद आपको भाटी जी जहन में जरूर आ रहा होगा कि 50 और मिल जाती कहीं। अब ये चीज तो आपको लगेगी, आपके गठबंधन को लगेगी 50 और सीटें आ जाती तो हम थोड़ा कहीं सरकार बनाने के आसपास कहीं आ पाते। लेकिन ये भी हकीकत है कि सरकार तो एनडीए की ही बन रही है। इस बात को लेकर तो मुझे नहीं लगता कि कोई पसोपेश है। लेकिन बड़ी खबर एक आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से बात की। राहुल गांधी से बातचीत करके राहुल गांधी ने सपा प्रमुख को बधाई दी है। राहुल गांधी ने सपा प्रमुख से बातचीत की है, उनको बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को लेकर उनको बधाई दी गई है। एक तरफ दोनों पार्टी गठबंधन में, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है। और यही समाजवादी पार्टी जब 2019 में बसपा के साथ गठबंधन में थी तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन सुचरता जब 17 में कांग्रेस के साथ थी तब भी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार फायदा खुद उनको हुआ है सपा को। नहीं, और सबसे बड़ी बात है आपने बसपा का जिक्र किया, हालांकि मैं बसपा का कोई नेता नहीं है अभी, लेकिन बसपा का वोट शेयर भाटी जी 19% से सीधे 1.5% हो गया। अब वो वोट शेयर का जो फायदा है वो आपको हुआ है या फिर उसका फायदा, मुझे लगता है सीधे वो वोट ट्रांसफर आप ही को हुआ है, क्योंकि वो वोट शेयर एकदम से गायब है। 18% के करीब वोट शेयर जो बसपा का था वो गायब हो गया है। अब सोचिए यूपी में ये तस्वीर बदली है, तो ये बहुत अच्छी तस्वीर एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए नहीं है। शाजिया जी, इसी पर मैं आ रही हूं, वहां अखिलेश यादव को बधाई देना है राहुल गांधी। अब आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि चुनाव के बाद ये तस्वीर होगी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे को बधाई दे रहे होंगे। हालांकि तस्वीर ऐसी नहीं है कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार को तोड़ लेंगे, चंद्रबाबू नायडू को तोड़ लेंगे, कुछ इस तरह से सरकार बन सकती है। देखिए, जनादेश स्पष्ट है, साफ है, सबको दिख रहा है और बिल्कुल। और मुझे लगता भी है कि राहुल जी को भी बधाई देनी चाहिए और उनको देनी चाहिए, अखिलेश जी को, हम सबको उनको देनी चाहिए, उन सबको हमको देनी चाहिए। तो मतलब लगता है बधाई के पात्र हम सब हैं और यूपी में फिक्र की हमारे लिए वजह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने आप को देखती है, परखती है, सिर्फ आईने को नहीं साफ करती, अगर चेहरे को धोने की भी ज़रूरत करती है तो चेहरा भी धोती है और साबुन का भी इस्तेमाल करती है। तो भारतीय जनता पार्टी समझेगी जहाँ जहाँ हार हुई या कमी हुई हम उसको बिल्कुल देखेंगे, जहाँ जहाँ जीत हुई वो उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या उसकी वजूहात रही है। जिस राम मंदिर को लेके सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए, जिसका असर केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि साउथ तक दिखाने की कोशिश की गई थी, वहीं जहां राम मंदिर बना वो सीट हाथ से निकल गई है, वहीं पर हार गए। नहीं, मुझे एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो एक दिखाने की कोशिश थी, एक इमोशनल, एक कनेक्ट एक आम व्यक्ति का उस राम मंदिर से था। क्योंकि हमने वहां, हम अयोध्या भी गए और हम तो चुनाव के दौरान, अनामिका आप भी और मैं भी, हमने हम घूमे भी हैं, तो राम मंदिर के साथ और जो लोग वोट देते थे वो लोग राम मंदिर की बात जरूर करते थे, लेकिन वो जो इमोशनल कनेक्ट है शाजिया जी, वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया आप लोगों के लिए, ऐसा लग रहा है। देखिए राम मंदिर हमारे लिए हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा रहा है। हमारा जो हमारी जो सोच है, जो हमारी विचारधारा है, उसका एक अहम और प्रमुख अंग रहा है। उसको कहा जाता है रहा ये बाकी पार्टियों की तरफ से कि ये एक चुनावी मुद्दा है, लेकिन हमने बाकायदा इंतज़ार किया और एक आस्था का सम्मान के नाते हम लोगों ने लोगों की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी, रूल ऑफ लॉ की भी, उस दोनों का सम्मान करते हुए हम लोगों ने इंतज़ार किया और आप देख रहे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि हमको उसको राजनीतिक तराजू से हम तोलेंगे कि उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है।